Hello everyone and welcome back to my dermatology online. I'm Dr. Vagma. As you all know, you leave comments and messages and we talk about it. So let's see who do we have today. Okay. We got Naila from Lahore and she's asking, is micro needle good for acne scar? What are the general benefits of microneedling? Okay, microneedling. Well, microneedling is a minimal invasive procedure. Just my skin concerns like scarring, stretch marks, large pores, skin texture, loose skins, pigmentation. ये सब target होता है and इसको collagen induction therapy भी कहते हैं और प्रीक्यूटेनियस कोलेजन इंडक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोलेजन रीजनरेशन होती है. वी ट्राई टू जनरेट कोलेजन. ठीक है. नाउ व्हाट इज लाइक होता क्या है इसमें, हम करते क्या है. देखिए, एक डर्मा पेन की तरह टूल होता है, उसके आगे नीडल्स लगे होते हैं, स्टराइल नीडल्स. दीज आर डिस्पोजेबल एंड वी चेंज द हेड ऑन एवरी पेशेंट एज सून एज the deepest layer of your skin is hit by these needles. Micro wounds are created, okay, that trigger your body wound healing process. ठीक है. उससे क्या होता है कि बॉडी को लगता है कि इंजरी है और अपना आर्मी भेजो टू फिक्स इट, हीलिंग वाली. तो एक्स्ट्रा कोलेजन बन रहा होता है एंड ऑल सारा काम हो रहा होता है बिकॉज आप बॉडी को रॉन्ग ट्रिगर करते हो कि फिजिकल प्रॉब्लम है, इंजरी है और आप अपनी हीलिंग पावर भेज दें. और वेल इसके रिजल्ट्स इमीडिएटली तो नहीं देखेंगे आपको. अगर बेस्ट रिजल्ट्स देखने हैं तो ट्रीटमेंट के 4 to 6 वीक्स के बाद आपको द बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं. आपको पहले नम किया जाता है. ठीक है. 30 मिनट्स नम करते हैं ताकि आप कंफर्टेबल फील करो और आपको अनकम्फी फील ना हो. एंड जब आप डर्मापेन करते हो आप डिफरेंट चीज़ों के साथ कर सकते हो, विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड के साथ कर सकते हो, मेसोवाइट बूस्टर्स के साथ कर सकते हो. आप माइक्रो नीडलिंग सेफली रिपीट कर सकते हैं 4 to 6 वीक्स अपार्ट. ठीक है. अब कोलेजन इंडक्शन के लिए आप मिनिमम 3 ट्रीटमेंट्स करवाएं और बट 4 to 6 वीक्स का सेपरेशन रखिएगा एक एक ट्रीटमेंट के बीच में. स्कार्स के लिए जैसे आपने पूछा था ना, इट्स रियली वर्थ इट. ठीक है. बहुत अच्छे हैं एंड स्लोली स्लोली एटलीस्ट हैव 4 to 6 ट्रीटमेंट के अच्छा रिजल्ट देखने को मिले. बट हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ चले, सिर्फ डर्मापेन अकेले ना करें. डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है, उन सबको कंबाइन ट्रीटमेंट लेके चले स्कार्स के लिए ताकि अच्छा रिजल्ट मिले भी. आई होप दिस विल हेल्प. अगर आपको कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ again email me, comment me and I'll be here with you tomorrow again. Allah Hafiz.